फिर से जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं गढ़वा को पूरे राज्य नहीं पूरे देश में पहचान दिलाने का काम करूंगा। 13 तारीख को एक एक वोट हमारे पक्ष में आएगा और सारे विपक्षियों का जमानत जब्त करा के उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी जनता। हम लोग कोई झूठ नहीं परोसते हैं, फरेब नहीं परोसते हैं, हम लोग फूट डालो की राज करो की नीति नहीं अपनाते हैं और जनता तैयार बैठी है और मुझे लगता है कि एक एक वोट जनता हमारे पक्ष में करेगी। आज नॉमिनेशन है, गढ़देवी मंदिर पहुंचे हैं, माता गढ़देवी का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। मिथिलेश ठाकुर देखिए नारियल तोड़ करके गढ़देवी मंदिर की पूजा आशीर्वाद लिए हैं। दादा गढ़देवी मंदिर आए सर, क्या आशीर्वाद लिए? देखिए कर्म के साथ साथ इष्ट का अपने जो हमारे इष्ट देवता है, माँ गढ़देवी है, माँ दुर्गा है, माँ विंध्यवासिनी है, माँ काली, बजरंगबली, बाबा भोलेनाथ, बाबा वैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, सभी का आशीर्वाद आज सुबह से लेते हुए और अब हम अपने नामांकन के की प्रक्रिया के लिए अब हम जहाँ से हमारा नामांकन का की रैली निकलेगी, जुलूस निकलेगा, वहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे लाखों की संख्या में हमारे समर्थक आज गढ़वा पहुँचे हैं। अब हम जाकर यहाँ से नामांकन करेंगे, नामांकन करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सभा होगी और ये जो जनता का उत्साह है और कर्म का फल माता गढ़देवी से लेकर सभी इष्ट देवी देवता निश्चित रूप से देते हैं। तो मैंने कर्म किया है और गढ़वा की जनता की सेवा की है, 5 साल गढ़वा को एक पहचान दिलाने का काम किया है, निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद मिलेगा। बाबा भोलेनाथ, बाबा बासुकीनाथ, बाबा वैद्यनाथ, माता विंध्यवासिनी, माता वैष्णो देवी सभी का मार्जिन कितनी बड़ी होगी? देखिए मार्जिन अगर काम के नाम पर वोट हो, जो लोकतंत्र में व्यवस्था है कि अपने अपने हक अधिकार के लिए विकास के लिए जनता को वोट करना है और अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, तो मार्जिन की बात छोड़ दीजिए। अगर इसको जनता से मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से, अपने गढ़वा के सभी जो हमारे यहाँ के सभी वर्ग के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे व्यवसायी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र नौजवान हैं, सभी वर्ग से अपील करूँगा कि जरूर एक जनप्रतिनिधि के काम का आकलन करके मेहनताना दें और मुझे अगर मेहनताना मिलेगा और फिर से जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं गढ़वा को पूरे राज्य नहीं पूरे देश में पहचान दिलाने का काम करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मतदाता पूरी तरह से इंतज़ार में है 13 तारीख के और 13 तारीख को एक एक वोट हमारे पक्ष में आएगा और सारे विपक्षियों का जमानत जब्त करा के उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी जनता। आप कह रहे हैं कि काम का दाम मिलेगा? निश्चित रूप से मैं काम का दाम और मैं कोई हम लोग कोई झूठ नहीं परोसते हैं, फरेब नहीं परोसते हैं, हम लोग फूट डालो की राज करो की नीति नहीं अपनाते हैं, हम लोगों को जाति धर्म में नहीं बांटते हैं, हम अपने काम का दाम मांगते हैं, मेहनताना मांगते हैं, मजदूरी मांगते हैं और जनता तैयार बैठी है और मुझे लगता है कि एक एक वोट जनता हमारे पक्ष में करेगी। TheFollowUp.in Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in